हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल स्ट्रक्चर। हमने कैपिटल स्ट्रक्चर को पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी मीनिंग, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम इसकी थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे। थ्योरीज़ दैट मीन्स कि ऐसे कौन से मेथड हैं या ऐसे कौन से थ्योरीज़ दी गई हैं, किसने क्या थ्योरी दी है और उसको किस तरीके से हम फॉलो करते हुए जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको फाइंड आउट करते हैं, किसी भी फर्म की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा इसकी थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं कि क्या होता है, उसके बाद हम सारी थ्योरीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस लाइक प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी। हम सभी को मालूम है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कि जो भी आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कैपिटल कलेक्ट करते हैं तो कितना अमाउंट किस सोर्स से आपने कलेक्ट किया है, उन सभी को मिलाकर क्या बनता है, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है। मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी। इक्विटी का क्या है, प्रपोर्शन होता है कि कहाँ, अगर आपने डिबेंचर्स इशू किए तो वहाँ से कितना अमाउंट आपको रेज्ड हुआ कैपिटल अमाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर्स आपने जो शेयर्स होते हैं उनको इशू किया तो वहाँ से कितना अमाउंट कैपिटल रेज्ड हुआ है, तो क्या प्रपोर्शन रहा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, ऐसा रिलेशनशिप ये बताता है कौन, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज का काम क्या है, रिलेशनशिप बताना कैपिटल स्ट्रक्चर और द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। तो ये जो थ्योरीज हैं, कैपिटल, किसी भी फर्म की कैपिटल स्ट्रक्चर प्लस उस फर्म की वैल्यू के बीच का जो संबंध होता है उसको दर्शाता है। मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, दैट मीन्स अगर कोई भी फर्म है, बिजनेस है, तो उनका, उनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है। ठीक है, उन्होंने कहाँ किस सेक्टर में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ द फर्म होता है, क्योंकि वही चीज़ डिसाइड करते कि फर्म की इतनी वैल्यू है। जितना ज़्यादा वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं सही जगह पर, उतनी उनकी वैल्यू अच्छी होती है, अच्छी मानी जाती है। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज हैव बीन प्रोफाउंडेड बाई वेरियस ऑथर्स लाइक डेविड ड्यूरेंट एंड एजेरा सोलोमन, फिर है मोदी ग्लियानी एंड मिलर। ठीक है, तो ये कुछ ऑथर्स हैं जिनकी थ्योरीज इंपॉर्टेंट होती हैं और इसमें पूछा जाता है FM में, कैपिटल स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर में, कि किस तरीके से रिलेशनशिप को हम फाइंड आउट करते हैं। तो सभी का अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहा है हमेशा से ही। ठीक है, बहुत सारे इन लोगों के बीच में क्या था कि ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो बहुत, ये कोई मानता था कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो वैल्यू ऑफ द फर्म को प्रभावित करता है या नहीं। बहुत से लोगों का मानना है कि प्रभावित नहीं करता है वैल्यू ऑफ द फर्म को जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। तो ये कुछ ऑथर्स हुए हैं जिसमें आपके ये डेविड हुए हैं, एजेरा सोलोमन हैं एंड मोदी ग्लियानी हैं एंड मिलर हैं, तो इनके कुछ हैं और इसी में से कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनके बेसिस पर हमें चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं। देयर आर वेरियस थ्योरीज बट द इंपॉर्टेंट वंस आर। ठीक है, होने को तो बहुत सारी थ्योरीज है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जिनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर और वैल्यू ऑफ द फर्म के बीच में। ठीक है, कि वैल्यू ऑफ द फर्म क्या आएगी, किस तरीके से आएगी। तो जो फर्स्ट थ्योरी है वो है नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि हम इनकम को ध्यान रखते हैं, कितना ज़्यादा क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके से हो रही हैं, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में ये थ्योरी आप जान लें क्या कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरीज होती हैं। सो फर्स्ट इज नेट इनकम थ्योरी एंड सेकेंड है जो आपका वो है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, एंड जो ऊपर एक हमारे ऑथर थे मोदी ग्लियानी एंड मिलर अप्रोच। ठीक है, तो इनके अप्रोचेस आ जाएंगे यहाँ पर। तो सभी का अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है, जो स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट रखता है, सपोर्ट करता है इस पूरे सिस्टम को, कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म को इम्पैक्ट करता है, प्रभावित करता है, उनके बीच में संबंध होता है, रिलेशनशिप होता है। ठीक है, आउट ऑफ दीज थ्योरीज लाइक जो आपका नेट इनकम अप्रोच है एंड ट्रेडिशनल अप्रोच स्ट्रांगली सपोर्ट द व्यू पॉइंट दैट देयर एग्जिस्ट्स आर रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म एंड इट्स मार्केट वैल्यू। ओके, तो अगर हम बात करें तो ये जो दोनों अप्रोचेस हैं आपका, कौन सा, नेट इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच, ये
स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करता है इस पॉइंट को कि जो रिलेशनशिप होता है कैपिटल स्ट्रक्चर किसी भी फर्म का और फर्म की जो मार्केट वैल्यू होती है उनके बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, रिलेशनशिप होता है, चाह करके भी कोई भी इंसान उस बात से इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि हम सभी को पता है कि जितना ज़्यादा कैपिटल स्ट्रक्चर उनका अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, उतनी ज़्यादा उनकी जो वैल्यू ऑफ फर्म है, मार्केट वैल्यू है, वो भी अच्छी होंगी। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिकनेक्ट होती हैं, कनेक्ट करती हैं, इसलिए इसको माना जाता है कि इनके बीच में रिलेशनशिप है। कौन सा अप्रोच? नेट इनकम अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच। ओके, वेयर एज अगर हम बात करें जो आपके बाकी जो अप्रोचेस हैं, जैसे नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है एंड जो आपके मोदी ग्लानी एंड मिलर अप्रोच है, वो क्या कहते हैं इस बारे में, रोल आउट ऑफ आउट एनी रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड मार्केट वैल्यू। तो इनके जो अप्रोचेस हैं ना, इससे बाहर हैं, मीन्स जो ये रिलेशनशिप है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड मार्केट वैल्यू ऑफ एनी फॉर्म, उससे बाहर है। उनके इनके जो अप्रोचेस इस बात को डिनाई करते हैं कि ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते या इनके बीच में कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता है। मींस कहने का मतलब ये है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई भी प्रभाव कंपनी की या फर्म की जो मार्केट वैल्यू होती है उस पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सबका अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव रहा है, पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, जिन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इन सारे पॉइंट को, इन सारी थ्योरीज के अकॉर्डिंग हम डिटेल में समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से इन सारी थ्योरीज को फॉलो करते हुए हम चीज़ें मीन्स वैल्यू ऑफ फर्म को फाइंड आउट करते हैं, और उससे पहले कि नेट इनकम अप्रोच क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और बहुत सारे ना कुछ मान्यताएं बना दी जाती हैं, अजम्पशंस बना दिए जाते हैं। तो उन अजम्पशंस को फॉलो करते हुए ही हमें इन सारे अप्रोचेस को फॉलो करना होता है। ठीक है, जितने भी अप्रोच हैं आपके, ये थ्योरीज दी गई हैं, तो सभी में कुछ ना कुछ अपनी मान्यताएं बनाई गई हैं, उन मान्यताओं को ध्यान में रखना होता है, उन अजम्पशंस को ध्यान में रख करके काम करना होता है। मुझे यकीन है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो कि कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज क्या होती है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज का काम यही है कि कैपिटल स्ट्रक्चर एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म के बीच का रिलेशनशिप बताता है कि किसी भी फर्म की जो मार्केट वैल्यू है और कैपिटल स्ट्रक्चर में कैसा रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग ऑथर्स ने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेट इनकम अप्रोच क्या होता है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज वीडियो में इतना ही, अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए विजिटर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।